विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया गया। स्टार्टिंग आज बांसवाड़ा जिले के प्रेस वार्ता में सभी पधारे हुए अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रिंट मीडिया के सभी लोगों का मैं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, प्रतिवर्ष 31 मई को दुनिया भर में हर वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तंबाकू के व्यापक प्रचार प्रसार और जो लोग इस तरह का नशा कर रहे हैं उनको छुड़ाने के बाबत में ये कार्यक्रम किया जाता है। अभी की देश भर में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा आंकड़ा है, लाखों में तादाद है, प्रतिवर्ष से तंबाकू का सेवन करने से मृत्यु होती है। ना केवल मृत्यु, बाकी जो विभिन्न प्रकार के उसी से इंक्रीमेंट होकर के उसी से होने वाले अलग अलग प्रकार के रोग जो कि फेफड़ों से संबंधित होंगे, हार्ट से संबंधित होंगे, तो आज की तारीख में अपन देखते आ रहे हैं। जैसे अपने यहाँ इस एरिए की भी अगर बात की जाए तो गर्भवती महिलाओं का अपन जब देखते हैं तो उनके द्वारा भी तंबाकू का सेवन किया जाता है। समय समय पर अपन जब मेडिकल ऑफिसर और फील्ड में आशा है कि मजा और बच्चे दोनों के लिए अपना साबित होती है, कई दफ़ा नवजात शिशु की और माता की भी मृत्यु हो जाती है। कार्यक्रम में उपस्थित डिप्टी सीमचो साहब, विनोद साहब और साथ ही लता जी और साथ ही आप मीडिया से बता रहे हुए विभिन्न स्तर से आए हुए सभी का पुनः स्वागत करते हुए, जैसे कि अभी आज जो चर्चा हुई है, जो विस्तृत चर्चा में डिप्टी सीमचो साहब और लता जी ने वैसे बता दिया है, लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि जैसे ये तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी है जो सतत हमारा पूरे वर्ष होता है, लेकिन अभी जो विशेष जो अभी एक निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार एक सप्ताह जो अभी 25 से 31 का जो मई के अंदर जो एक विशेष अभियान के रूप में सप्ताह में जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि सिर्फ नीचे धरातल लेवल पर और सभी लोग उसके प्रति सेंसिटाइज हो गए, उसके प्रति जागरूकता लाने का उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को देखते हुए ये विभिन्न स्तर के जिला स्तर से लगा करके नीचे जो धरातल लेवल पर जो एक्टिविटी का इफेक्ट सभी के अंदर आवे और सभी लोग उसके संबंध में जागरूक हो गए। मृत्यु में भी इसकी वृद्धि हुई है, गर्भवती महिला ज्यादा प्रसार करके लगाते हैं। अब ये किशोरावस्था में जो निकोटिन के ब्रेन में भी इसका असर होता है और मुंह के माध्यम से। अब ये जो तंबाकू सेवन से जो हृदयघात है उसमें कार्यशाला रखी है जिसमें तंबाकू निषेध कार्यक्रम सप्ताह जो 25 से 31 जून मनाने का प्रावधान है और उसी के अंतर्गत हमने सभी आप सभी को आमंत्रित किया है और डेट वाइज इसका कार्यक्रम तय है। उसमें जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता के अंदर हमने 22 जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। इसके बाद में विभिन्न स्तर के जो ब्लॉक स्तर पे और निचले स्तर पे कार्यक्रम रहेंगे। हमारा मकसद यही रहेगा कि तंबाकू निषेध कार्यक्रम के अंदर आम जन को ये मैसेज वहाँ पे जाए कि तंबाकू से दुष्प्रभाव जो होते हैं वो उन लोगों के जागरूकता को बढ़ाएं और लोग बाग इस तंबाकू के प्रति अवेयरनेस होवे।